हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोर्स फॉर एजुकेशन के अंदर। जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं कि मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको दी हैं मल्टीपल कोर्सेज के ऊपर या टॉपिक्स के ऊपर। तो आपने उसमें बहुत सारा प्यार दिखाया, तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको जॉब ओपनिंग से रिलेटेड वीडियोज दूंगा और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा विद लिंक्स कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ओपनिंग्स होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज भी आप उसी तरीके से पसंद करेंगे जैसे मेरी पिछली सारी सीरीज आपने पसंद करी है। तो आज की जो वीडियो है वो है आपकी विप्रो इलाइट इंटरव्यू से रिलेटेड। ये जो इंटरव्यू है वो आपका विप्रो कंडक्ट करवा रहा है, बट इसके लिए आपको दूसरी एक जो वेबसाइट है वहां से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने राउंड्स हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको मेरी यहाँ पे स्क्रीन विजिबल हो रही होगी जहां पे मैंने मेंशन कर रखा है आपका यहाँ पे विप्रो। विप्रो इलाइट इंटरव्यू जॉब ओपनिंग। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका समझने की बात है कि आप किस तरीके से विप्रो में अप्लाई कर सकते हैं। विप्रो में आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे एक कंपनी है, जैसे कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है सुपर, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, सुपर सेट करके। तो सुपर सेट में आपको क्या करना पड़ेगा वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे कुछ टर्म एंड कंडीशन और जो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करने का मेथड है वो आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा, देन उसके बाद में आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है। अब कौन कौन सी बातें पूछी जा रही है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो देखते हैं सबसे पहले। तो सपोज आपके पास में यहाँ पे दो राउंड्स होंगे, ठीक है, पहला होगा आपका टेक्निकल, दूसरा होगा आपका एचआर। किस तरीके से आप यहाँ पे इनको क्रैक करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात। तो टेक्निकल इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि आपका कोडिंग राउंड करवाएंगे या मशीन राउंड करवाएंगे, जस्ट डिस्कशन होगा। बट यस डेफिनेटली आप इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए और इंग्लिश इतनी तो आनी चाहिए कि आप एक्सप्रेस कर सको अपनी जितनी भी चीजें आपने करी हैं वो, और जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो सारी चीजें। तो ये दो चीज आप समझ गए कि लाइक कि आपके दो राउंड होने वाले हैं, टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने एक कैंडिडेट से लिए हैं जिस कैंडिडेट का भी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है वहां पे, और उसने मेरे साथ में टॉप मेट के ऊपर 1-to-1 सेशन में मेरे साथ में डिस्कशन करा है, देन मैंने उसको बहुत हेल्प करी है, देन फाइनली उसने यहाँ पे ये क्रैक कर लिया है इंटरव्यू। तो आप भी चाहते हैं वो सारी चीजें, मैं आगे चल के अभी बताता हूँ किस तरीके से आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। उससे पहले यहाँ इंटरव्यू का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, देखिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना आना चाहिए अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से। आप में से बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि बोल नहीं पाते इंग्लिश या फिर अटक जाते हैं बोलते बोलते, माइंड काम नहीं करता। तो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ में ही ये रिसॉल्व कर सकते हैं आप। आपको क्या करना है, नोट पेपर लेना है, कॉपी के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने के बाद में आपको डेली बेसिस उसका प्रैक्टिस करना है। तब जाके ये प्रॉब्लम रिसॉल्व होगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब अ रीसेंट प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन। इट मींस कि आपका वो प्रोजेक्ट अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए भी हो या आपने ऑलरेडी 1 ईयर 6 मंथ जो भी एक्सपीरियंस करा हो उसके बेस पे, ठीक है। तो उस चीज को आपको डिस्क्राइब करना है प्रॉपर अच्छे तरीके से कि आपने उसमें क्या करा, कैसे आपने फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करी, कैसे डेवलप करा आपने, उसको डेवलप करने के बाद में कौन कौन सी चीजें आपने मेथड उसमें सीखे, क्या डिफिकल्टीज थी, क्या चैलेंजेस थे, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे आपने देखा होगा व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन दैट प्रोजेक्ट। आपको बताना पड़ेगा कि आप जब इनिशियल टाइम पे उस प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे थे तो आपको कौन कौन से फंक्शंस डिक्लेयर करने में, कंपोनेंट्स बनाने में, या किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और ये सारी की सारी चीजें आपको इंग्लिश में बतानी है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब कभी भी आप इंटरव्यू में बैठे उससे 1-2 दिन पहले सारी चीज नोट डाउन करें ऑन पेपर, प्रैक्टिस करें कंटिन्यूअसली जिससे कि आप बोलने के हैबिट में आ सके। इसके बाद है नेक्स्ट आपका व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म करियर गोल, मींस कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप अपने करियर में। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस पाथ को आप चूज कर रहे हैं, उस पाथ के आपके फ्यूचर में कौन कौन से स्कोप हैं, कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इसके बाद मैंने यहाँ मेंशन करा है व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट और टेक्नोलॉजी। आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बेहतर लगता है और आपको पसंद है, और किस टेक्नोलॉजी में आप जाना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना देखना चाहते हैं इन फ्यूचर परस्पेक्टिव। तो डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है अपने आप को इस सारे क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सप्लेन ऊप्स कॉन्सेप्ट लाइक इनहेरिट एंड कंस्ट्रक्टर, जो भी आपके जो भी टेक्नोलॉजीज आपने मेंशन करी अपने रिज्यूम में
उसके बेस पे वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, आप उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। और प्रूफ्स तो आपको पता है कॉमन है, आपका पूछा ही जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में कि किस तरीके से आपने इस लैंग्वेज में क्या काम करा, कैसे बनाया, ये सारी की सारी चीजें। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका डन है, आप समझ गए किस तरीके से आंसर देना है। नेक्स्ट 7 है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट विप्रो। वो जरूर पूछेंगे कि विप्रो के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जिस भी कंपनी, विप्रो ही नहीं, जिस भी कंपनी के बारे में जब कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं, तो वहां पे आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वो चाहे आप गूगल से पढ़ लें, लिंक्डइन से पढ़ लें, या जहां से भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं वहां से जो भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है या कंपनी के बारे में बता रखा है, वो आप जरूर पढ़ के बैठे इंटरव्यू में। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे एनी क्वेश्चन फॉर अस। आपसे वो पूछेगा इंटरव्यूअर कि भाई आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, तो वहां पे आपको कुछ भी अगर डाउट लग रहा है या कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है आपकी, तो बेझिझक आपको उनसे पूछ लेना चाहिए उस टाइम पे। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट राउंड, जो कि टेक्निकल राउंड में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में जब एचआर राउंड होगा, ओके, तो दोनों चीजों के लिए आपके पास में मेल आ जाएगा, ध्यान रखिएगा मेल आएगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा बट मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि मेल आएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट एचआर। एचआर राउंड में सेम, सबसे पहले स्टार्ट होगा वही, व्हाट डू यू नो अबाउट विप्रो, विप्रो के बारे में क्या है आप बताएं कि मैं क्या जानता हूँ, क्या कहाँ से चीजें मेरे को पता लगी, कैसे आप आए। देन वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि लाइक कि आर यू ओपन टू रिलोकेशन, मीन्स कि वो डिफरेंट लोकेशन पे भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि इस लोकेशन पे है ये जॉब ओपनिंग, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कशन वहां पे करना पड़ेगा। एंड वहां पे आपसे पूछा जा सकता है, जब एचआर पूछेगी थर्ड क्वेश्चन में, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन शिफ्ट, बिकॉज शिफ्ट चलती है आपको पता है एमएनसीज में, तो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट मिल सकती है आपको, आफ्टरनून मिल सकती है, इवनिंग मिल सकती है, नाइट मिल सकती है, चार शिफ्ट होती है, जो भी आपको मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद है नेक्स्ट, डू यू हैव अ प्रीफर्ड वर्क लोकेशन, इट मीन्स कि मानिए मैं दिल्ली रहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि गुड़गांव मेरे को मिल जाए, नोएडा मिल जाए, तो जैसे भी आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं और अगर उसके नियर बाय में जो भी विप्रो का ऑफिस है आप चाहें तो वहां का लोकेशन बता सकते हैं, यस मैं यहाँ पे जा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न्स। तो सिंपल आपको बताना है कि आपके क्या भी क्वेरी है, जो भी चीजें पूछना चाहते हैं आप, कब ज्वाइनिंग डेट मिलेगी, ऑफर लेटर कब आएगा, या जिस भी चीजें के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो ये तो हो गया आपका इंटरव्यू से रिलेटेड, जो भी आपका इंटरव्यू के अंदर पूछा जा रहा है मोटा मोटा। ओके, और बाकी जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं साइड बाय साइड, जो भी मैंने सजेशन आपको दिए हैं वो सारी चीजें। अब यहाँ चलते हैं सबसे पहले कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको जिस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, सुपर सेट के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको लॉग इन कर देना है। लॉग इन करने के बाद में यहाँ पे विप्रो इलाइट हायरिंग प्रोग्राम चल रहा है इनका। इस प्रोग्राम पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक किस तरीके से आप इलिजिबल हैं यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से हैं, पास आउट कहाँ के होने चाहिए, सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है प्रॉपर डिटेल में। ये देखिए, ओके, क्या पैकेज रहने वाला है आपको दिख रहा होगा, कितने कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिल भी रही होंगी, बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी चीजें मेंशन कर रखी है इन्होंने डिटेल में। ओके, ये सारी की सारी चीजें लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से विप्रो के इस इंटरव्यू के अंदर आपको बैठना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें। और गाइस, अगर इस तरह के वीडियोस और चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। गाइस, चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे जितने भी वीडियोस के सोर्स हैं और लाइक जितने भी कोर्सेज मैंने आपको दे रखे हैं उनके सोर्स कोड चाहिए होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप श्योर आप गिटहब पे जाएं, गिटहब पे अवेलेबल है सारे सोर्स कोड, इंटरव्यू से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, सारे जो भी चीज अवेलेबल नहीं है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगा आपको, वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1-to-1 सेशन करना चाहते हैं मेरे साथ में, यहाँ पे बुकिंग कर लें आप अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी आपको स्लॉट अच्छा मिलता है, और फिर हम आपके साथ में 1-to-1 डिस्कस करेंगे और मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा आपसे इंटरव्यू के रिलेटेड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको जॉब मिल सकती है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में, जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।